नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। आप सभी का आर्यन न्यूज़ भारत में स्वागत है। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। जो साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी हॉट न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज़ जो अब तक की साल भर की सबसे बड़ी न्यूज़ कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा। साल भर से आंदोलन कर रहे आंदोलनरत किसान भाइयों का कानून, जो तीन कृषि कानून था जिसके विरोध में आंदोलन कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संबोधन में एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। गुरु पर्व के मौके पर देश को संबोधित कर रहे पीएम ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का फैसला सुनाया। ये घोषणा तब आई जब इन कानून के खिलाफ किसानों का एक समूह पिछले एक साल से आंदोलन कर रहा था। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले एक साल से कई स्तर और कई चरणों में किसानों का आंदोलन देखा गया। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज अभी आपने जो वीडियो देखा, हमने वो ANI के हवाले से दिखाया है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, तीन कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे हैं यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाड्डू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंघू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है, उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम कृषि कानूनों के समाप्त करने की प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद विभिन्न दलों के ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आप खुद कृषि मंत्री रहे, देखिए तो प्रधानमंत्री जी का निर्णय था और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में लाया, इसको पास किया, तीन कानून बनाया, और आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अगले सेशन में हम लोग इसको विड्रॉ करेंगे, समाप्त करेंगे। तो ये निर्णय तो उन्हीं का है, तो इस मामले पर तो कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती है। उन्होंने खुद ही अपना विस्तार से कह दिया कि हमने कोशिश की, लोग समझे नहीं, कई तरह की बातें कह दी। तो सब चीज कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमियान, कैसे कैसे जमीन और चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। देखिए, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है, एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए,
कि अहंकार हट धर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही है वहां भी नहीं गया, इतना पास आकर नहीं गए। आज अचानक क्या हो गया, स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। वहीं इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तंज करते हुए कहा कि सब कुछ लुटा के होश आए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई उनके नाम पर पंजाब में मेमोरियल बनेगा, दीवारों पर किसानों के नाम उकेरे जाएंगे। अगर आप भारतीय रेल में सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। कारण यह है कि रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में यात्रियों को पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करने का आदेश कर दिया है, जिसमें यात्रियों को अब खाली पेट ट्रेन में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। दरअसल कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से रेलवे ट्रेनों में खाने की सुविधा को बंद कर दी गई थी, जिसे फिर से बहाल करने का निर्देश दे दिया गया है। भाईचारगी और एकता का मिसाल कायम करते हुए अक्षय यादव ने आज अपनी गैरेज खाली कर मुसलमानों को जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी और मुसलमान उनके गैरेज में जुमे की नमाज़ अदा किए, जो आपसी एकता और भाईचारगी का मिसाल कहा जाता है। ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले से हिंदूवादी संगठन खुले में नमाज पढ़ने को लेकर आंदोलनरत रहे थे, जो प्रशासन द्वारा दिए गए 37 स्थानों की इजाज़त को उनके विरोध के चलते 8 स्थानों को प्रशासन ने फिर वापस आदेश को वापस ले लिया, जिस कारण से मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जिसमें अक्षय यादव जैसे आदमी सामने आए और एकता का, भाईचारगी एकता का मिसाल कायम करते हुए अपनी दुकान को नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को जगह दी। मधुबनी में जज की पिटाई के मामले में पुलिस और कोर्ट आमने सामने हो गए हैं। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए होम सेक्रेटरी, डीजीपी और एसपी को नोटिस जारी किया है। डीजीपी को रिपोर्ट के साथ 29 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। वहीं पुलिस मेंस एसोसिएशन ने जज पर मारपीट का आरोप लगाते हुए FIR की मांग की है। इसी के साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।